मैंने जो है कुछ महीनों पहले एक कंपनी है जिग्सॉ पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके ओनर हैं रजनीश लाल, उनके साथ कुछ सिटिंग्स की और जिस तरीके से हम लोग लोकेशन बिजनेस करते हैं और लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये मुझे 18 साल से ये मेरा एक प्रैक्टिस रहा है। और ये कंपनी ने मुझे स्टार्टिंग से जो है काफ़ी वादे किए कि हमारे यहाँ पेमेंट्स जो है हम एक दिन का पेमेंट भी नहीं छोड़ते हैं, ऑन द स्पॉट कर देते हैं। तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा जिस हिसाब से वो लोग ने मुझे इस में शामिल किया, और मैं उन्हें 70-80 लोकेशंस की लिस्ट दी। और जो सीज़न वन जो 20 एपिसोड थे उसमें 3 दिन में एक एपिसोड खलास किया जाता था, उसमें एक दिन में कभी कभी दो लोकेशन लगते थे। जब शुरू हुआ ये तो डे वन इन्होंने मुझे फर्स्ट पेमेंट ऑन द स्पॉट एडवांस दिया, क्योंकि लोकेशन जब जाते हैं तो नया लोकेशन होता है, नया ओनर होता है, और वो ओनर के साथ कोई क्रेडिट्स नहीं चलता है, क्योंकि इंडस्ट्री में यूजुअली ये क्रेडिट की आदत रहती है लोगों को। 8-10 दिन के बाद में उन्होंने वेंडर चेंज कर दिया, वो दूसरे वेंडर को ले आए और हमारा जो अमाउंट है वो पेंडिंग में रह गया। पुलिस को सूचना मैंने अभी दी है, क्योंकि लास्ट आप देखेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है हम कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं और हमें टाइम दिया जा रहा है, कभी बोलते हैं 20 तारीख को आओ, कभी बोलते हैं 10 दिन बाद आओ। तो रितेश व्यास के साथ में काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि लास्ट स्टेज में, ये लास्ट महीने में तो उन्होंने हमें ऐसी भी धमकी दे दी कि जो होगा वकील से बात कर लेंगे, आपको जो करना है वो कर लो। मगर मेरा अमाउंट आज भी पेंडिंग है। और रितेश व्यास और रजनीश लाल के बारे में मैं और भी कुछ कहना चाहूँगा, जो जो लास्ट एक महीने के अंदर ये हुआ है, तो मैं बहुत नाराज़ हूँ उनसे, और मैंने पुलिस में जाकर कंप्लेन की है, NC लिखाई है उनके खिलाफ़, और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जल्द से जल्द ये पेमेंट मिल जाए। और ये वीडियो द्वारा मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी वेंडर्स हैं जो आज फंसे हुए हैं वो भी आएंगे फ्रंट में। मैं आज एक एक जन उनसे बात मेरी चल रही है और 2-3 जन ने मुझे अपना फिगर्स भी बताया है, नाम मैं अभी नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि वो भी मेरे सामने नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में वो बैठे और हम इसको लाइमलाइट में लेके आए। आगे की प्लानिंग मेरी ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है मैं पब्लिकली ले जाऊँ, और ये मेरे वीडियो जो है ये एविडेंस की तरह मेरे लिए सपोर्ट में आए, क्योंकि मैं जो है पुलिस में कंप्लेन करने के बाद में काफ़ी डिफ़िकल्टी से जो है ये चीज़ पर मैं आया हूँ और हिम्मत जुटाया हूँ कि मैं ये पब्लिकली ले जाऊँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी का इमेज ख़राब करना, बट इन्होंने मुझे बहुत गलत टाइम दिया, गलत तरीके से इन्होंने खींचा और मैं बहुत अपसेट हूँ इनसे। रजनीश लाल और रितेश व्यास, आप लोगों ने जो किया है वो बहुत गलत है, और मेरी ऐसे और कोई वेंडर के साथ ऐसा तकलीफ ना हो, मैं इसे बहुत जल्द जो है खुलासा करना चाहूँगा। का तो ये कहना है कि तुम्हें जो करना है करो, वकील को बुलाना, वकील को बुलाओ, केस करना है केस करो, हम भी देख लेंगे, बात लंबी चलेगी, या तो 1,00,000 रुपए ले लो या 1,30,000 ले लो। तो मैंने कहा मुझे तो 1,30,000 चाहिए, मुझे पूरा अमाउंट चाहिए, पेनल्टी के साथ चाहिए, क्योंकि मेरा पेनल्टी GST को काफ़ी है, मैं भर चुका हूँ GST। तो इस हिसाब से टाइम दिया जा रहा है कि भाई इस तरीके से आप या तो इतना ले लो और इतने में कर लो, हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का शो है, सच ए बिग कंपनी, और क्या इनका शो है जो फर्स्ट सीजन है, ये लोग बोलते हैं सीजन 2 आएगा, सीजन 3 आएगा, आपको बहुत काम देंगे, मतलब लड्डू खिलाने वाला काम हो गया। और मैंने और भी कुछ वेंडर्स लोगों से बात किया, सारे वेंडर्स के काफ़ी अमाउंट है, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, तो मैं इन सभी लोगों का 3-4 दिन के अंदर लिस्ट लाऊंगा। आफ्टर ये वीडियो आने के बाद में मैं देखूंगा, अगर उनका सपोर्ट नहीं रहा या उनका ये कॉपरेशन नहीं रहा, तो मैं सारे लोगों को जमा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और एवरीबॉडी विल स्पीक।